गुजरात मुंबई में चल रही चक्रवाती तूफान के बीच एक लहर दौड़ रहा है जो कि देखने के बाद लोग आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जिस तरह से लगभग 3 दिनों से ये चक्रवाती तूफान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, आपको बता दें कि सभी जगहों में हाईलाइट कर दी गई है और साथ ही साथ इस तरह के मछुआरे लोगों को वहाँ समुद्री तट से हटा दिया गया है। कहीं कहीं तो लॉकडाउन भी लगा दी गई है जिससे आम जनता समुंदर के किनारे ना जा सके। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई के जुहू समुद्र तट के किनारे जिस तरह से ये समुद्र का लौ बढ़ रहा है, वैसे वैसे मनुष्य की दहशत बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मछुआरे वहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस तरह की लहर इससे आगे हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन आपको बता दें कि राज्य सरकार और मंत्रालय की ओर से सभी समुद्री तट के किनारे मछुआरे को उस तटीय से हटा दी गई है और साथ ही साथ लगातार चक्रवाती तूफान के कारण आप देख सकते हैं कि समुद्र के जल पे किस तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है। आइए इसके लेकर NDRF की टीम और RPF और SDRF की टीम कितनी लगाई गई है इसको लेकर NDRF के कमांडेंट के PRO से पूछते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की मुश्किलों को कम करने के अपने संकल्प के अनुरूप इंडियन आर्म फोर्सेस ने गुजरात में साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार कर लिया है। इंडियन आर्मी ने 27 से अधिक रिलीफ कॉलम्स पूरे गुजरात में जैसे भुज, जामनगर, गांधीधाम, धरंगरा के साथ साथ नरिया, द्वारका और मांडवी जैसे फॉरवर्ड लोकेशंस पर भी तैनात कर दिया है। इन जगहों पर इंजीनियर्स और मेडिकल टीम्स भी तैयार रखे गए हैं। आर्मी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और NDRF के साथ संयुक्त रूप से राहत कार्यों की योजना बनाई है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में भी भाग लिया है और इस आपदा के समय पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। इंडियन नेवी ने बचाव कार्य के लिए ओखा, पोरबंदर और वलसुरा जामनगर में डाइवर्स और अच्छे तैराकों की 10 से 15 टीमों को पोजिशन किया है जिसमें प्रत्येक टीम में 5 योग होते हैं। आवश्यकता के अनुसार और टीमों को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। 4 जेमिनी श्रेणी के इन्फ्लेटेड बोट्स को ओखा और पोरबंदर में तैयार रखा गया है जिसमें प्रत्येक बोट की कैपेसिटी 10 से 12 लोगों की होती है। इसके अलावा प्रभावित लोगों को खाना और सहायता सामग्री देने के लिए ओखा, पोरबंदर और वलसुरा में कम्युनिटी किचन और चिकित्सा टीमें भी स्थापित की गई हैं। भारतीय वायुसेना ने बड़ौदा में एक AN-32 विमान, अहमदाबाद में चेतक हेलीकॉप्टर और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान दिल्ली में तैयार रखा है। इसके अलावा जामनगर, भुज और नरिया में गरुड़ कमांडोज भी तैयार हैं। गुजरात के सभी कोस्ट गार्ड स्टेशन को बचाव अभियान और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता के लिए तैयार कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड ने बचाव कार्य के लिए 15 जहाजों और 7 विमानों को तैनात किया है। कोस्ट गार्ड स्टेशन में 29 जेमिनी बोट्स, 50 OBMs और 1000 से अधिक लाइफ जैकेट्स और 200 लाइफ बॉयज तैयार रखे हैं। कोस्ट गार्ड की मरीन पोल्यूशन रिस्पांस टीम भी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड यूनिट्स तटीय क्षेत्रों में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोकल पॉपुलेशन, स्टेक होल्डर्स, फिशरमैन, ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज के साथ लगातार बातचीत कर रही है। मौसम और साइक्लोन से बचाव की सलाह भी दी जा रही है।